Hey guys, welcome back to my YouTube channel. दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डायनामिक लिंक क्या होता है और डायनामिक लिंक को कैसे बनाया जाता है। हाँ दोस्तों, आपने रिसेंटली थोड़े बहुत वीडियोस देखे होंगे कि डायनामिक लिंक को मतलब यूजली क्या फ़ायदे रहते हैं, तो मैं पहले बता देता हूँ कि इसके क्या फ़ायदे हैं। और अगर आपको पता है डायनामिक लिंक मतलब क्या है और इसको कैसे बनाते हैं, अगर वो पता नहीं है तो आप वीडियो को थोड़ा आगे स्किप कर लें क्योंकि मैं वहाँ बता रहा हूँ। तो फिलहाल जिन लोगों को पता नहीं है दोस्तों, देखो डायनामिक लिंक होता क्या है। जैसा कि आप देख सकते हो मेरा ये इंस्टाग्राम का पेज है, राइट, आप लोगों का भी इंस्टाग्राम का पेज होगा। जैसे ही हम वेबसाइट के लिंक पे हम क्लिक करते हैं तो ये क्या होता है, एक जो है ना इंस्टाग्राम का वेब ब्राउजर है वहाँ पे लेके चला जाता है। अब मान लो कोई वीडियो वगैरह आपने पोस्ट किया तो कोई भी बंदा आया, पसंद आया, तो अगर वो सब्सक्राइब करना चाहा तो वो सब्सक्राइब नहीं कर पाएगा, इस तरह का कुछ उसको साइन इन का मैसेज आता है। और 90% लोग जो है ना साइन इन यहाँ पे नहीं करते हैं, वो सिंपली आपके वीडियो को क्लोज कर देते हैं, स्किप या फिर लाइक करने का भी मन भी रहता है तो मतलब वो नहीं करेंगे। कोई भी वीडियो को कुछ भी करना चाहो तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है क्योंकि उनको साइन इन करना पड़ता है। बट डायनामिक लिंक से क्या होता है, जैसे देखो अब देखो दिखा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो लाइवली करके पूरा दिखा रहा हूँ दोस्तों, सभी चीज़ लाइवली यहाँ पे करूँगा आपके लिए। यहाँ पे जैसे देख करके अब मैंने जो है ना अपना नॉर्मल लिंक वाला हटा करके यहाँ पे अब मैंने डायनामिक लिंक को पोस्ट कर दिया। अब देखो जैसे मैं क्लिक करूँगा ये नॉर्मल इंस्टाग्राम का वेब ब्राउजर की जगह पे डायरेक्टली यूट्यूब पे लेके जाएगा। यूट्यूब पे लेके जाकर आप देख सकते हो कि यूट्यूब का ऐप है। अब यहाँ से कोई भी चाहे तो सब्सक्राइब कर सकता है, यहाँ पे देखो सिंपली सब्सक्राइब कर सकता है। तो कुछ इस तरह से होता है दोस्तों, सब्सक्राइब क्या छोड़ो, लाइक कमेंट्स हर चीज़ भी कर सकता है और उसको जो है ना कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जैसे देख सकते हो सब्सक्राइब हो जाएगा, लाइक कमेंट वगैरह पूरा हो जाएगा, हर चीज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो अब मैं आगे बताऊंगा कि कैसे इसको करते हैं, इसके लिए मैं लेके चलता हूँ आपको मोबाइल के स्क्रीन पे। मोबाइल का स्क्रीन नहीं है, लैपटॉप के स्क्रीन पे मैं सिस्टम पे कर रहा हूँ। आप चाहे तो अगर मोबाइल पे करते हैं तो क्रोम ब्राउजर में जा करके सिंपली आप जो है ना डेस्कटॉप मोड को एक्टिवेट करके ये सभी प्रोसीजर जो मैं बताऊंगा इसको फॉलो करके आप कर सकते हो। और डायनामिक लिंक बनाना कोई भी बड़ी मुश्किल बात नहीं है दोस्तों। आपने शायद रिसेंटली थोड़ी वीडियोस देखी होंगी जिसमें कि बताया गया था भाई डायनामिक लिंक बनाने के लिए आपको सर्वर डोमेन का बहुत पंगा होता है, उसके लिए आप बेहतर मुझे लिंक भेज दो, मैं बना के भेज दूंगा। दोस्तों क्यों ऐसा, आप जो है ना खुद ही से बना सकते हो और मैं दिखाऊंगा यार इस वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको डायनामिक लिंक सिंपल तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको चलता हूँ लेके स्क्रीन पे और अपना मोबाइल वाला स्क्रीन को ऑफ करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो कि एक जो है ना एक नॉर्मल सा पेज पे आ गया। अभी हमको यहाँ पे करना क्या है, सिंपली हमें जो है ना गूगल पेज पे चला जाना है और यहाँ पे हमको लिखना है फायर बेस। दोस्तों देखो सिंपली से आप फायर बेस लिखोगे तो जो पहला वाला आएगा, देखो अब एड्रेस देख लेना, बस उसको सिंपली से ना फायर बेस वाला चीज़ को जो है ना क्लिक कर लेना। ये वेबसाइट गूगल का जो है ना ऑथराइज वेबसाइट है, ये सर्विस फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, इसके लिए आपको कुछ भी डोमेन सर्वर वगैरह की कुछ दिक्कत नहीं है दोस्तों। बस वीडियो को देखते रहो, समझ में आ जाएगा क्या मैं बता रहा हूँ आप कैसे कर सकते हैं। सिंपली आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते के साथ में आपको जीमेल अकाउंट पूछेगा, तो मैं जो है दोस्तों देखो एक डमी जीमेल अकाउंट है मेरा जिसके टेस्टिंग के लिए यूज़ करता हूँ। इस जीमेल अकाउंट से मैं साइन इन कर लेता हूँ, पासवर्ड डाल लेता हूँ। आप भी जो भी अपने जीमेल अकाउंट से यूज़ करते हैं उसको डाल करके आप जो है सिंपली कर सकते हैं। थोड़ा सा बफर होगा, थोड़ा सा बफर होने के बाद में आपको सिंपली कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा, क्रिएट प्रोजेक्ट करके आएगा। आपको सिंपली करना क्या है, सिर्फ क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट क्लिक करने के बाद में आप जो भी चैनल का नाम है, जैसे कि यूट्यूब गुरुजी चैनल का नाम है मेरा, तो मैं यूट्यूब गुरुजी करके क्लिक कर दूंगा। कुछ ये ऐसे आ जाएगा नीचे, उसमें आपको सिंपली जो है ना एक्सेप्ट पे करना है। एक्सेप्ट पे क्लिक करके सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद में कुछ डिटेल्स वगैरह आएगा, चाहे तो आप आराम से पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, या फिर आपको सिंपली जो है ना कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। दोस्तों ये देखो सिंपल सा काम है यार, आप मेरे चैनल पे रहोगे ना मैं हर सभी चीज़ें जो है ना सिंपल सिंपल तरीके से करके दिखाता हूँ दोस्तों। अब सिंपली आपको जो है नेक्स्ट पेज में आपको जो है ना अपना कंट्री का नाम सेलेक्ट कर लेना है, इंडिया जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। जो सभी चीज़ें हैं इसको आप चेक मार्क कर लें, ये बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन है सर्विस यूसेज करने के लिए। आप अगेन पॉज करके पूरा चीज़ें पढ़ सकते हो और वो करने के बाद में सिंपली आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना। क्रिएट प्रोजेक्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों आपको जो है ना कुछ इस तरह से पेज दिखेगा, इस तरह से पेज दिखेगा। तो आपको यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा वेट करना होगा कुछ सेकेंड, जैसा कि आप लाइवली देख सकते हो मैं पूरी तरह से लाइव करके दिखा रहा हूँ, तो आपको थोड़ी ही देर में ये कंप्लीट हो जाएगा, हमारे पास जो है ना प्रोजेक्ट रेज हो जाएगा। और मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे आपको
डायनामिक लिंक कैसे जनरेट करना होता है। आपको इसके लिए सिंपली किसी को भी भेजने की जरूरत नहीं होगा और आपका चैनल का नाम आपके लिंक में दिखेगा तो वो सबसे बेहतर है। आप किसी दूसरे से करवाओगे तो उनका नाम दिखेगा, ये बहुत बुरी बात है। तो आप जो है अपने नाम से कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारा जो है ना प्रोजेक्ट अभी हो चुका है रेडी। अब हमें सिंपली इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो फिर एक नया पेज ओपन होगा, कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। आपको सिंपली क्या करना है, देखिए यहाँ पे ग्रोथ वाला जो है ना, ग्रोथ वाले पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही ग्रोथ वाले पे क्लिक करोगे तो आपको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे दोस्तों देखो डायनामिक लिंक का ऑप्शन मिलता है। आप जो है ना डायनामिक लिंक पे आइए। यहाँ पे आने के बाद में आपको जो है ना गेट स्टार्टेड का लिंक मिलता है ऑप्शन, यहाँ पे बट गेट स्टार्टेड क्लिक करो। फिर आपको पूछेगा डोमेन, तो आपको डोमेन के जगह पे क्या करना है, आप जो भी नाम डालना चाहे वो डाल सकते हो। मैं सिंपली अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ YouTube गुरुजी, और नीचे कुछ ऑप्शन आ जाएगा, बस इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से जैसे आपका चैनल जैसे प्रकाश टेक है, मारुति टेक है, आप उसके हिसाब से आप डाल सकते हो ताकि वही आपको आपके लिंक में दिखेगा, दूसरे का नाम नहीं लिखेगा, आपका लिंक दिखेगा। ये करने के बाद में सिंपली आपको इसको कंटिन्यू कर लेना होता है। अब कंटिन्यू करने के बाद में देखिए एरर दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये लेके रखा है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ भी एक नंबर डाल दूंगा। बेसिकली आप जिस हिसाब से रहते हो उसके हिसाब से आप जो है ना डाल सकते हैं, एक यूनिक रहना चाहिए। और यूनिक होने के बाद जैसे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है। एक्सेप्ट होने के बाद में हमें क्या करना है, सिंपली इस पर फिनिश पे क्लिक करना है। ठीक है, इतना कर लेने के बाद में आपको जो है ना कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। अब यहाँ से आप डायनामिक लिंक जितने चाहे उतने डायनामिक लिंक क्रिएट कर सकते हो। आपको पूरा एड्रेस में जो है जैसे यूट्यूब गुरुजी दिख रहा है, ये नाम दिखेगा दोस्तों। जैसे दूसरा कोई अगर आपको करके देगा ना तो वहाँ पे उनका नाम दिखेगा, उनके चैनल का। यार क्यों दूसरे का चैनल अपने नाम पे दिखाना चाहते हो, अपने लिंक पे आप सिंपली अपना नाम दिखा सकते हो। तो इस तरीके को फॉलो करो। आपको अब सिंपली करना क्या है, न्यू डायनामिक लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली आपको जो है ना ये कुछ देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा। सिंपली आपको जो है ना यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। देखो यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे बेसिकली आपको जो है जो भी अपना वीडियो का लिंक, चैनल का लिंक जो भी रहता है वो आपको डालना होता है। ये डालने के बाद में सिंपली हम जैसे नेक्स्ट करेंगे ये प्रोसेस पूरा सेटअप होने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है ना आप जो भी वीडियोस वगैरह डालना चाहते हैं उस वीडियो का डायरेक्ट लिंक यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर मैं सिंपली क्या करूँगा अपना यूट्यूब का जो मेरा चैनल का लिंक है वो मैं डाल दूंगा। जैसे कि हो गया youtube.com/YouTube Guruji 6। तो ये मेरा चैनल का लिंक है, तो ये मेरा चैनल का लिंक है, तो ये मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो यहाँ पे अभी देखो दोस्तों कुछ एरर दिखा रहा है, अब मैं बताऊंगा एरर क्या है। तो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग तो ना HTTP डालना होता है। तो अब मैं HTTP देखता हूँ, ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे HTTP बेसिकली जो रहता है सिंपली YouTube पे जाते हैं, YouTube पे ही क्लिक करते हैं, यहीं से हमें जो है ना दिखा देता हूँ वो HTTP कहाँ से आपको मिलता है। जैसे कि आपने डबल टैप कर लिया तो देखिए स्टार्टिंग में आपको कुछ HTTP है जो कि सिक्योर कनेक्शन के लिए होता है। सिंपली आप इसको लेके जा करके यहाँ पे आप पोस्ट कर दोगे तो ये देखो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर जिस केस आप लोगों को कुछ ऐसा एरर आ रहा हो तो आपको सिंपली ये करना है, सिक्योर कनेक्शन है ये करने के बाद में आपको जो है ना सिंपली एग्जाम्पल पे आके रखना है। और आप जो भी चाहे आप अपना चैनल कुछ भी जो भी लिखना चाहो आप जो है ना लिख सकते हो। ओके, डायनामिक लिंक नेम कुछ भी आप जो नाम डालना चाहो डालने के बाद में आप जो है ना सिंपली नेक्स्ट कर दें, सिंपली फिर नेक्स्ट कर दें, फिर नेक्स्ट कर दें, सिंपली जो है ना यहाँ पे भी ना नेक्स्ट कर दें। क्रिएट हो जाएगा लास्ट में क्रिएट वाला ऑप्शन। ये क्रिएट करने के बाद में आप क्या करोगे, आपका देखिए लिंक तैयार हो चुका है। आपको सिंपली यहाँ पे जाके कॉपी URL लिंक करना है। आप अपने फिर इसको Instagram के जगह पे आप पोस्ट कर सकते हो। देखो फिर से मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, आपको ये क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे लिंक मिलेगा। देखो यहाँ पे आपको हाईलाइट हो रहा है कॉपी URL, बस सिंपली क्लिक कीजिए, आपको कॉपी URL कॉपी हो जाएगा। और सिंपली बस इसको जो है ना आप जहाँ चाहे अपने सोशल मीडिया के अकाउंट में डालिए और जो भी बंदा इस पर क्लिक करेगा वो सीधा आपके YouTube चैनल पे आएगा, ना कि कोई वेब ब्राउजर पर। और इसके लिए आपको किसी और को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, फिलहाल आप आराम से ऐसे ही कर सकते हो। मैंने देखो दिखा दिया आपको लाइवली कैसे करता है, एकदम सिंपल सा है दोस्तों, कुछ टेंशन की बात नहीं है। और आपको ऐसे यूनिक चीजें जो कि सेल्फ डिपेंडेंट चीजों को
कर सकने के लिए अगर आपको चीज़ों को सीखना है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाओ, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहली बार देख रहे हो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेटिव ज्ञान की बातें मैं पोस्ट करता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और दूसरे जगह पता नहीं चैनल पे इससे भी डिटेल होती भी होगी, बट आजकल तो लोग अपने प्रमोशन में रहते हैं तो बट यहाँ पे कुछ इस तरह से वीडियो होता है। तो आप फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दो वीडियो मैं यहाँ पोस्ट करते जाता हूँ, आप जाके देखो। मैं और विश करता हूँ कि आपका चैनल एकदम ग्रो करे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।